हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नारायण एजुकेशन। ये है राजस्थान क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 3। इसमें मैं राजस्थान के एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस, हिस्ट्री रिलेटेड, कल्चर रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड, ये सब क्वेश्चंस जो है वो मैं डिस्कस करूँगी। दीज आर द टॉप 25 क्वेश्चन आई एम टेकिंग, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ When Rajasthan Handloom Development Corporation was established? तो राजस्थान हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो दैट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 3rd March 1984। ओके, तो 3rd March 1984 को राजस्थान हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी। सेकेंड क्वेश्चन इज इन राजस्थान राजस्थान में तिनमय ऑर्नीमेंट ऑर्नामेंट जो है तिमन्या, ये कहाँ पर वॉर्न किया जाता है? ये वुमेन्स वोर करती हैं इसको, और ये नेक पे वोर्न किया जाता है, गले में इसको पहना जाता है। ओके, व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी इन ट्रैक्टर एग्रीकल्चर? राजस्थान में जो ट्रैक्टर के थ्रू जो एग्रीकल्चर होती है उसमें क्या डिफ़िकल्टी जो है वो फेस करनी पड़ती है? उसमें जो मेजर जो डिफ़िकल्टी आती है वो होती है स्मॉल होल्डिंग। सो स्मॉल होल्डिंग जो है वो मेजर डिफ़िकल्टी है जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में फेस की जाती है बाय द फार्मर्स। नेक्स्ट इज बाय विच नेम द पीरियड वाज नोन फ्रॉम 7th century to 12th century। सो तो 7th century और 12th century के बीच में जो पीरियड था उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है राजपूत पीरियड के नाम से। ओके, राजपूत पीरियड के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो जो मतलब हम राजस्थान के कल्चर को जितना कुछ भी मिला है वो मेजरली जो मिला है वो राजपूत के थ्रू ही मिला है। नेक्स्ट इज शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? ये राजस्थान के बरन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, हु वॉज द फाउंडर ऑफ जहाजपुर स्टेट? जो जहाजपुर स्टेट है उसका फाउंडर कौन है? ये फाउंड हुई थी 1572 में बाय जगमल सिंह सिसोदिया। ओके, जगमल सिंह सिसोदिया जो था, जो ब्रदर था महाराणा प्रताप का, तो उसने जो है ये जहाजपुर स्टेट जो है वो फाउंड की थी 1572 में। नेक्स्ट इज व्हाट इज द साइन ऑफ सुहाग ऑर्नामेंट फॉर वुमेन ऑफ राजस्थान? जो सुहाग के लिए मतलब क्या राजस्थान की जो वुमेन्स है वो पहनती हैं जिससे ये दर्शाता है कि वो मैरिड हैं? तो वो आइवरी और लाख लाख के बैंगल्स, ये सब जो है वो चीज़ें पहनती हैं। लाख जो है वो बहुत फेमस है राजस्थान में, मोस्टली इसी के जो है बैंगल्स वगैरह जो है बनाए जाते हैं लाख के। ओके, नेक्स्ट इज बाय विच राजपूत एम्परर ऑफ बीकानेर द गंगा केनाल वॉज कंस्ट्रक्टेड? तो 1927 में गंगा केनाल कंस्ट्रक्ट हुआ। ये कंस्ट्रक्ट किया श्री गंगा सिंह ने। ओके, जो राजपूत एम्परर था वो था गंगा सिंह, उसने कंस्ट्रक्ट किया गंगा केनाल 1927 में। वेन डज मत्स्य संघ जो था वो कब मर्ज हो गया राजस्थान में आके? मत्स्य संघ जो था वो मर्ज हुआ 15 मई 1949। तो 15 मई 1949 में मत्स्य संघ जो था वो मर्ज हो गया था राजस्थान में। इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान गोदवार बर्ड वॉज फाउंड? ये जो बर्ड है ये पाई जाती है वेस्टर्न राजस्थान में। ओके, वेस्टर्न राजस्थान में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में ये बर्ड पाई जाती है। वॉट टाइप ऑफ ऑक्सेज आर यूज टू कैरी मैक्सिमम लगेज इन राजस्थान? मतलब अगर हम ऑक्सेज में बात करें तो ऐसा कौन सा ऑक्स है जो कि लगेज कैरी करता है, सबसे ज़्यादा लगेज जो है कैरी करता है वो राजस्थान में कैरी करता है? दैट वॉज नगौरी। ओके, नगौरी वॉज द ऑक्स। विच इज़ द मेन सीरियल ऑफ राबी क्रॉप इन राजस्थान? तो राबी क्रॉप का मेन सीरियल कौन सा है जो कि राजस्थान में ग्रो किया जाता है? दैट वॉज वीट। ओके, सो दैट वॉज वीट। 26 जनवरी 1950 विच पार्ट वॉज इंक्लूडेड इन ग्रेटर राजस्थान? 26 जनवरी 1950 में कौन सा पार्ट था जो कि इंक्लूड किया गया ग्रेटर राजस्थान में? वो था सिरोही।
सिरोही जो पार्ट था वो ग्रेटर राजस्थान में इंक्लूड किया गया कब? 26 जनवरी 1950 में। फ्रॉम विच ओरिजन राजस्थान स्टाइल इज नोन? राजस्थान स्टाइल जो है वो अपभ्रंश, ठीक है, ओके, अपभ्रंश जो स्टाइल है उससे इसको जाना जाता है, राजस्थान स्टाइल को। वेयर द बिरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सिचुएटेड? जो बिरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है वो सिचुएटेड है टोंक डिस्ट्रिक्ट में, ओके, बिरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। वेयर द न्यूक्लियर एनर्जी स्टेशन इज सिचुएटेड इन राजस्थान? जो न्यूक्लियर एनर्जी स्टेटेड स्टेशन है, न्यूक्लियर एनर्जी स्टेशन, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? वो है रावत भट्टा। तो रावत भट्टा में न्यूक्लियर एनर्जी स्टेशन जो है वो सिचुएटेड है राजस्थान का। विच इज़ द बिगेस्ट फेयर ऑफ राजस्थान? सबको पता है पुष्कर फेयर, ओके, पुष्कर फेयर जो है वो सबसे बड़ा फेयर है राजस्थान का। विच सिटी इन राजस्थान वॉज कॉल्ड द आइसलैंड ऑफ ग्लोरी बाय सी वी रमन? सी वी रमन ने आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कौन सी सिटी को कहा था? जयपुर को, ओके, सो जयपुर को आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से भी जाना जाता है। बिसलपुर डैम, बिसलपुर जो डैम है वो कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? ये है टोंक डिस्ट्रिक्ट में, ओके, वो कौन सी नदी पे सिचुएटेड है? ये है बानस रिवर पे, बानस रिवर पे है ये, जो कि दियोली के पास पड़ती है। टोंक डिस्ट्रिक्ट में दियोली जगह है, वहाँ पर बानस रिवर जो निकलती है वहाँ पर ये बिसलपुर डैम जो है वो स्थित है। व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ लैक ऑफ फॉरेस्ट इन राजस्थान? सबसे बड़ा कॉज क्या है? क्लाइमेट चेंज, ऑब्वियसली जो क्लाइमेट चेंज है वो मेजर कॉज है कि फॉरेस्ट की कमी है राजस्थान में। हु वॉज द फाउंडर ऑफ जाट स्टेट इन भरतपुर? जो जाट स्टेट है भरतपुर में उसका फाउंडर कौन है? उसका जो फाउंडर है वो चूरमन है, ओके, जो कि चूरमन जो है वो फाउंडर है पर्टिकुलरली जाट स्टेट का। आई एम टॉकिंग अबाउट जाट स्टेट, जो कि किसका बेटा है? ये भज्जा सिंह का, ओके, पर जो अगर हम भरतपुर की बात करें कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ भरतपुर, भरतपुर का कौन फाउंडर है, तो वो है बदन सिंह। बदन सिंह जो है वो फाउंडर है किसका? भरतपुर का। और अगर हम स्पेसिफिकली जाट स्टेट की बात करें तो वो है चूरमन, ओके। सो दीज आर द क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्टली मैंने मेजर क्वेश्चंस उठाए हैं जो पीछे को पेपर्स में आ चुके हैं राजस्थान के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब।